తద్రవసంయుతం పిబత భాగవతం రసమాలయం ముహురహో రసికా భువిభావుకాః తృణాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణునా అమానినా మానదేన కీర్తనీయ సదా హరిః నారాయణాఖిల గురో భగవన్ నమస్తే శివాయ నమః శివలింగాయ నమః తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు నారాయణ సర్వే భవంతు సుఖినః. శ్రీమద్ భాగవత సప్తమ స్కంధ అధ్యాయ 29-30 ఆది కామద్వేషాద్వయాత్ స్నేహాద్యథా భక్తేశ్వరే మన ఆవేశ్య తదఘం హిత్వా బహవస్తద్గతిం గతాః గోప్య కామద్వయాత్ కంసో ద్వేషాచ్ ఇద్యాదయో నృపాః సంబంధాద్ విష్ణయ స్నేహాద్యూయం భక్త్యా వయం విభో. కథమోపి నవేన స్యాత్ పంచానాం పురుషం ప్రతి తస్మాత్ కేనాప్యుపాయేన మనః కృష్ణే నివేశయేత్ యాత భోగయత్ మాతృస్వసేయో వశ్చైద్యో దంతభక్తశ్చ పాండవ పార్షద ప్రబలో విష్ణోర్విప్రశాపాత్ పదాచ్యుతౌ. యుధిష్ఠిరువాచ కీదృశ కశ్యవాశాపో హరిదాసాభిమర్శన అశ్రద్ధే ఇవాభాతి హరేకాంతినాం భవః దేహేంద్రియాసుహీనానాం వైకుంఠపురవాసినాం దేహసంబంధ సంబద్ధ మేతదాఖ్యాతుమర్హసి. నారద ఉవాచ ఏకదా బ్రహ్మణ పుత్ర విష్ణుర్లోకం యదృచ్ఛయా సనందనాదయో జగ్ము శరంతో భువనత్రయం. నారాయణ సుఖదేవ్ జీ నే బతాయా రాజన్ భగవాన్ శ్రీమన్ నారాయణ పరాత్పర పురుషోత్తమ్ సగుణ సాకార పరమేశ్వర హైన్ సర్వేశ్వర హైన్. భగవాన్ నిర్గుణ నిరాకార జబ్ అచింత్య మాయా శక్తి కే యోగ్ సే స్వయం కో సగుణ సాకార శ్రీ విష్ణు ఆది కే రూప్ మే శ్రీ రామాది కే రూప్ మే వ్యక్త కర్తే హైన్ తబ్ అవిద్యా అస్మితా రాగ ద్వేష అవినివేశ ఈ జో పంచ క్లేశ హైన్ ఇన్కే అక్లిష్ట ఉపయోగ కా సుయోగ సద్ జాతా హై. యశోదా ఆది ప్రీతి విశిష్ట అవిద్యా రూప వాత్సల్య రస కే ప్రభావ సే कृतार्थ होते हैं. गोपियाँ मधुरीपुरा मिति भावनशीला कृष्णोहम अस्मिता का उपयोग करके कृतार्थ हो जाती हैं. इसी प्रकार बहुत से भक्त बहुत सी गोपियाँ भी भगवान में राग को सन्निहित कर कृतार्थ होने का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं. द्वेष और अभिनिवेश के विषय भगवान को बना पाना दैवी संपद संपन्न महान भावों के लिए कठिन है. एक सज्जन मेरे पास वृंदावन में आते थे जब मैं पूज्य उड़िया जी महाभाग के आश्रम में रहता था.
पंजाब के थे लेकिन यज्ञोपवीत रखते थे ब्राह्मण। मैंने कहा पंजाबी हो ब्राह्मण हो फिर भी यज्ञोपवीत रखते हो, ओ चाबी खो ना जाए, देखते ना यज्ञोपवीत में चाबी बांध के रखता हूँ तो खोने का अवसर नहीं होता। हमने कहा अच्छा यज्ञोपवीत पहनने का ही उपयोग है। फिर वो रोते हुए बोले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करा दीजिए। तो मैंने कहा जिस भाव विह्वलता को लेकर आपने प्रश्न किया है उससे लगता है कि मनोराज्य में या स्वप्न में या भावना की प्रगल्भता की दशा में आपको श्री कृष्ण का दर्शन अभी नहीं तो कभी न कभी हुआ ही है। तो रोने लग गए कि बात ठीक है लेकिन जिस विधा से भगवान आपाद मस्तक छल सबिले नटनागर श्री कृष्ण मुझे दिखते हैं वो विधा बहुत क्लिष्ट है, उसका उपयोग करके मैं भगवान को प्रकट करना उचित नहीं समझता। हमने कहा कौन सी विधा है? उन्होंने कहा बार बार प्रार्थना करता हूँ भगवान जब दृष्टिगोचर नहीं होते विरह वेदना बढ़ती है तो मुष्टिका यूँ करके हे नंद के एक घुसा मारूँगा। इतना कहते ही आपाद मस्तक भगवान नेत्रों के सामने प्रकट हो जाते हैं। एक क्षण के बाद विलुप्त हो जाते हैं। तो मैं रोता हूँ कि अपने इष्ट देव को मैंने घूसा तान के प्रकट किया तो क्या प्रकट किया, वो तो प्रेम के वशीभूत होकर प्रकट होने योग्य हैं। बात हुई है नहीं? इसका अर्थ है कि घूसा तान के सहित भगवान उनके घूसे पर रिस जाते थे, ऐ नंद के दे मारूंगा, दर्शन नहीं देता, 5 दिन हो गए 7 दिन हो गए। तो उनका कहना था भगवान फिर सामने एक क्षण के लिए प्रकट जरूर हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि द्वेष पूर्वक या अभिनिवेश पूर्वक भगवान को प्रकट करने की बात दैवी संपद संपन्न महान भावों में नहीं सजती क्योंकि वो रागास्पद भगवान को बनाते हैं, अहमिति के विषय बनाते हैं और यशोदा देव की आदि प्रीत विशिष्ट अविद्या रूप वात्सल रस का विषय भगवान को बना लेती हैं। लेकिन जो दुष्ट होते हैं वे द्वेष और अभिनिवेश का विषय भगवान को बनाकर इन दोनों क्लेशों का क्लिष्ट उपयोग करके भगवान को प्रकट करने में समर्थ होते हैं, अर्थात भगवान में मन का इतना अभिनिवेश तादात्म्य हो जाता है कि भगवदाकार वृत्ति द्वेष के वशीभूत सही अभिनिवेश के वशीभूत सही हो जाती है, जिसके बल पर देहत्याग के बाद उनका कल्याण होता है। इसका अभिप्राय है, इसीलिए कहा ये न के न प्रकार न के नापि उपाय न मना कृष्ण निवेश 31 में भाव को भाव किसी प्रकार हो, भय का आलम्बन लेकर स्नेह का आलम्बन लेकर प्रेम का आलम्बन लेकर संबंध का आलम्बन लेकर किसी भी प्रकार से भगवान में मन का सन्निवेश अपेक्षित है तभी कल्याण संभव है। भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए, राग पूर्वक न सही तो द्वेष पूर्वक ही सही, यह कहा। अब ये जय विजय भगवान के पार्षद थे, वैकुंठ लोक से उनका पतन बहुत आश्चर्य की बात है। युधिष्ठिर जी ने कहा देहेन्द्रियासुहीना नाम 34 वैकुंठपुरवासी नाम देह संबंध संबद्ध मेतदाख्या तुमर्हसि। देहेन्द्रिय प्राणांतकरण से रहित वैकुंठ निवासी होते हैं, कुंठा किसी प्रकार के ताप वेदना
अवरोध की जहाँ पर पहुँचना हो उसी का नाम है वैकुंठ। भगवान के जो पार्षद होते हैं दिव्य देहेंद्री प्राणांतःकरण से युक्त होते हैं, वहाँ तो लौकिक भौतिक प्राकृत देहेंद्री प्राणांतःकरण की गति ही नहीं है, लेकिन वे भी शाप के पात्र हो जाएं। एक तो शाप के पात्र प्रमादी व्यक्ति, आलसी व्यक्ति होते हैं, अपराधी होते हैं, उनसे कोई प्रमाद बन जाए, आलस्य बन जाए, अपराध बन जाए, यह समझ में नहीं आता। फिर उन पर किसी के शाप की दाल गल जाए, वो भी शापित हो जाए, इतना समर्थ कि उन्हें भी शापित कर दे, भगवान के पार्षद पद से च्युत कर दे, यह तो और उद्विग्न करने वाली कथा है, लेकिन इतिहास है, इसमें आस्था तो अवश्य है। फिर भी अश्रद्धे इवा भाति हरे रे कांति नाम भवा, 33वां श्लोक। सामान्य रीति से श्रद्धा का विश्वास का विषय नहीं बनता कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, जब स्वर्ग की ही यह गाथा है कि व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचकर फिर पतन, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, स्वर्ग की यह गाथा है कि वहाँ दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है, लेकिन पुण्यक्षय के बाद स्वर्ग से पतन होता है। एकया याति अनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः, लेकिन एकया याति अनावृत्तिम, सत्यलोक की यह महिमा है कि देहत्याग के बाद कर्मोपासना के समुचित निष्काम भाव से अनुष्ठान के फलस्वरूप ब्रह्मलोक की सत्यलोक की प्राप्ति होती है। एक वचन यह है गीता में, एकया याति अनावृत्तिम, लेकिन आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिन और जुना, यह भी वचन है। कभी कभी ऐसा भी योग होता है कि सत्यलोक से भी व्यक्ति च्युत हो जाते हैं, दोनों प्रकार के वचन। तो वैकुंठ तो मानो सत्यलोक का एक उज्ज्वल विभाग है, या उससे अतीत विभाग है, एक दिव्य लोक है, वहाँ भगवान के पार्षद पद पर नियुक्त दिव्य देहेंद्री प्राणांतःकरण से संपन्न जय विजय का पतन हो गया, वहाँ जाकर भी व्यक्ति कुछ ऐसा कर बैठता है जो किसी को असह्य हो। दूसरी बात यह है कि भगवान के पार्षदों को भी शाप देने की क्षमता किसी में हो, दोनों ही अविश्वसनीय सदृश अश्रद्धेय सदृश बात है। फिर भी घटना है तो सत्य अवश्य है, इसका रहस्य आपके श्री मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णोर्लोकम यदृच्छया सनंदनादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम्। एकदा एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र यदृच्छया अप्रत्याहत गति संपन्न इच्छा मात्र से चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जिनकी अबाध गति थी, यहाँ तक कि वैकुंठ में भी उनकी गति कुंठित नहीं थी, चाहें तो वैकुंठ भी जा सकते हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी के मुखारविंद से भगवान के लोक और भगवान परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण के अद्भुत स्वरूप का वर्णन सुना। तीव्र उत्कंठा का उदय हुआ कि ऐसे भगवान का दर्शन अवश्य करना चाहिए, ऐसे वैकुंठ धाम का दर्शन भी अवश्य करना चाहिए। अप्रत्याहत गति होने के कारण संकल्प मात्र से वैकुंठ तक उनकी गति हो गई। व्यक्ति की गति अवरुद्ध कब होती है लोक में? व्यक्ति क्रोधी से बचना चाहता है,
अरे भाई जहाँ तक बच सके उसका दर्शन न हो, आवे नहीं, उससे पाला न पड़े, क्रोध किए बिना नहीं रहेगा, दुर्वासा ही है। लोभी से व्यक्ति अपने धन आदि को छिपा के रखना चाहता है, कहीं इसकी वृद्ध दृष्टि न हो जाए। कामी से व्यक्ति अपनी बहू बेटी को या बहू बेटियां कामुक व्यक्ति से अपने रूप को छिपा कर रखना चाहती हैं, तो काम क्रोध लोभ इन सब के जो वशीभूत व्यक्ति हैं उनकी लोक में भी अप्रत्याहत गति नहीं होती। बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित प्राय लिखा रहता है। आज्ञा उसी को मिलती है जिससे कोई खतरा नहीं। यहाँ भी लोक में बिना आज्ञा प्रवेश निषिद्ध है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्याहत गति काम के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण अप्रत्याहत गति किसकी होगी, वो भी वैकुंठ पर्यंत। कामक क्रोध लोभ मोह शोक इन सब से विमुक्त होगा, पारंगत होगा। लेकिन एक दार्शनिक नियम तो सर्वत्र चरितार्थ है, कामात क्रोधो भी जायते। काम इच्छा विशेष में आघात लगने पर क्रोध का उच्छलित होना स्वाभाविक है। किसी पर क्रोध करते न बने तो मन तो झुंझला जाएगा ही, अंतर्निहित क्रोध का उदय तो हो ही जाएगा। भगवत दर्शन की कामना में भी कोई विघ्न डाले तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। या तो मंत्री आदि से मिलने देने में किसी व्यक्ति को कोई अवरुद्ध कर दे तो क्रोध होता है, लेकिन भगवत दर्शन की इच्छा तो बहुत ऊँची है। भगवत धाम तक गति भी बहुत कठिन है, परंतु त्वरा के कारण व्यवधान डालने पर क्रोध की संभावना है। एक बार नैमिषारण्य में, जैसे यहाँ है तो गोमती के तट पर एक लगभग 50 फीट का 100-150 फीट लंबा 100-150 फीट गड्ढा था। तो हमने ऐसा प्रयास किया था कि वहाँ वर्षा का जल आके टिक जाए, गोमती के बाढ़ का जल भी आके टिक जाए। तो वहाँ कमल लगा दिया था और सैकड़ों कमल के पुष्प खिले हुए थे। प्रकृति से प्रेम हमारा रहा है। अब व्यस्तता और शरीर की स्थिति को लेकर बाग आदि में हम घूमते नहीं तो प्रकृति के प्रति हमारी बहुत आसक्ति रही है। बचपन में भी हम वन में चले जाते थे, जब कोई मनुष्य पाला पड़ता, व्यवहार विपरीत करता, तो मेरी धारणा थी मनुष्य से खतरा है, वन्य पशुओं से खतरा नहीं, वृक्षादि से खतरा नहीं। तो मैं प्रायः भग के बस एक आंवले का पेड़ चुन रखा था अपने बाग में, उसके ऊपर जाके बैठ जाता था छिपके एक घंटा आध घंटा। तो हमने संकेत किया कि कमल के सरोवर के पास बैठता एक शिवाजी, ग्वालियर परंपरा के कानपुर के थे, क्षत्रिय स्वभाव तो अपना होता ही है। तो भौंरे जो कमल पर लट्टू होकर आते थे वो क्या करें, बीच में हथेली डाल दें ऐसे, तो वो भौंरे इतने कुपित होते थे कि मानो उनकी हथेली को विदीर्ण करके उस पार चला जाए। व्यवधान तो कामात क्रोधो भी जाए थे, उनके हृदय में त्वरा थी पराग मकरंद सेवन की, लेकिन वो अवरोध डालते थे तो भौंरे की जो भी गति हो मार डालें, कुछ भी करें, लेकिन वो भौंरा मारने की नीयत उनकी नहीं थी। कि इसकी इच्छा में विघात करने पर क्या प्रतिक्रिया ये भौंरा करता हो देखना चाहते थे। एकदम लगता था हथेली को चीर करके वो भौंरा अपने गंतव्य तक पराग मकरंद से युक्त कमल के पुष्प तक पहुँच जाएगा, पद्म तक।
कामाद क्रोध भी जायते। एकदा ब्रह्मणा पुत्रा विष्णुर्लोकम यदृच्छया सनंदनादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम्। भगवान विष्णु के लोक के दर्शन की इच्छा से एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि, जिनकी अप्रत्याहत गति त्रिभुवन में थी, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में थी, विचरण करते हुए वैकुंठ धाम पहुँच गए। ब्रह्मण पुत्रा, तो भगवान के तो पोते ही हो गए ना, तो पोते को कौन रोकेगा घर में जाने से? क्या ये जो बच्चे होते हैं विशेषकर 7 वर्ष तक बड़े खतरनाक होते हैं, इतना उनके हृदय में अभिनिवेश होता है, कुछ भी अपमान कर सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं। कभी कभी पाला पड़ा है, निमाई जी ने एक जगह ऐसा ठहरा दिया उस कमरे में, जब हम लोग जाएंगे तो कोई कमरा तो दिया ही जाएगा ठहरने के लिए, जहाँ वो 6 साल 7 साल के बच्चे सोते थे, माता भी रहती होगी जो कुछ। उन बच्चों के हृदय में एक ऐसा बच्चा था कि उसको बड़ा क्रोध हुआ कि ये आके कैसे डूब गया। अब ये सब दूसरे कमरे में, तो उस समय शायद यही 6-7 में और कोई नहीं, वो आके घूसा दिखावे, लाठी ले आया, गाली दे तो मारने के लिए दौड़ा। अब बच्चे को हमसे लड़े, हम उससे तो ये भी गए और लाठी गए तो गए, आक्रोश पूर्वक एकदम, वो तो हमला बोलने के लिए, तो मैं तो भगा, इसको इससे अपने को बचाऊँ और इसको पीटूँ तो गया, और न बचाऊँ तो सर फोड़ देगा। तो ये बच्चे बड़े आक्रोश। एक बार वो क्या है, विवेक जी का बेटा वैदू से वृंदावन में ठहरा, कमरे में आ गया, बगल में कुर्सी पर बैठ गया ऐसे करके। हमने कहा नीचे बैठ। हाँ, फिर उसने क्या किया मालूम, मेरे बगल में आके बैठ गया। तू कुर्सी पर नहीं बैठने देगा, मैं तुम्हारे पास बैठूंगा। तो मैं बहुत घबराता हूँ इन बच्चों से, क्या वो अवस्था होती है, हम लोगों की भी अवस्था थी, कब क्या कर दें वो। हमने कुर्सी पर बैठने से मना किया, वो ऐसे करके फिर क्या किया, हमारे बगल में बैठ के फिर कहा अब क्या करोगे। हंसे भी अब, क्या मतलब होता है। इसलिए भाई विकट पोता हुआ ने, भगवान शिव नारायण के नाभि कमल से कौन प्रकट हुए, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के दिव्य मन से किसकी अभिव्यक्ति हुई, अयोनिज है ना ये, अयोनिज माने माँ के गर्भ से थोड़े सनकादि प्रकट हुए, अयोनिज अपने यहाँ अयोनिज संतान की भी उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए दृष्टाद्युम्न कहाँ से प्रकट हुए थे, यज्ञ कुंड से। द्रौपदी कहाँ से प्रकट हुई थी, यज्ञ वेदी से। इस प्रकार से तो ये भगवान ब्रह्मा के मन से नारद जी हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, स्वयं स्वयंभू। स्वयं कौन है, भगवान विष्णु, और स्वयंभू कौन है, ब्रह्मा जी। भगवान के नाभि कमल से प्रकट हो गए, और ब्रह्मा जी का जो श्री विग्रह है सर्वजीव घनात्मक है, कहाँ लिखा है, भागवत के तृतीय स्कंध में। उनके कान से किसी की उत्पत्ति हो जाएगी, कहीं नाक से हो जाएगी, कहीं छींकने से उत्पत्ति हो जाएगी, कहीं भ्रुकुटी से उत्पत्ति हो जाएगी, मतलब क्या, इतना उर्वर सर्वजीव घनात्मक उनका श्री विग्रह होता है, कहीं से भी किसी प्राणी की उत्पत्ति हो सकती है, उनके मन से उत्पत्ति हो जाएगी। भगवान विष्णु के कर्ण, भगवान विष्णु के मैल थोड़े होते होंगे, लेकिन जैसे पराग मकरंद को भी मैल कह दे, कमल के मैल के रूप में पराग को कह दे, पराग सार सर्वस्व मकरंद, जब भौरा मकरंद पान करने में अलमस्त हो जाता है तब पराग का भी पान करना उसे अभीष्ट नहीं होता, पराग से भी अंतरंग वस्तु का नाम है मकरंद।
कमल के धूल का अर्थ हो गया एक प्रकार से, रज रज का अर्थ हो गया पराग। तो भगवान श्री भगवान विष्णु के कान के मैल से भी तो दैत्य लोग प्रकट हो गए, यानी यानी उर्वर। भगवान विष्णु का श्री विग्रह है, ब्रह्मा जी का श्री विग्रह है, वहाँ किसी भी अंग से किसी भी प्राणी की अभिव्यक्ति हो सकती है, वहाँ सब कुछ जीव सर्वजीव घनात्मक भगवान ब्रह्मा जी का श्री विग्रह है। सर्वजीव घनात्मक का अर्थ क्या हुआ, उनके रोम से भी, उनके नख से भी, उनके मैल से भी, उनके छिकने से भी, उनके भिकुटी से भी, उनके हृदय से भी, उनके अंगूठे से भी, उनके नाखून से भी किसी प्राणी की अभिव्यक्ति हो सकती है। ये ब्रह्मा जी के पुत्र ठहरे, स्वयंभू ब्रह्मा के पुत्र ठहरे। सनकादि, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, देखने में बालक सरीखे लगते हैं, और भागवत के अनुसार ही शिव जी के पहले इनकी अभिव्यक्ति है। ब्रह्मा जी के यहाँ से, ब्रह्मा जी के श्री अंग से शिव जी की, रुद्र की अभिव्यक्ति हुई, उससे पहले सनकादि की अभिव्यक्ति हो गई। अभिव्यक्ति की दृष्टि से शिव जी के भी पूर्वज हैं, पूर्वज माने अग्रज, उनके पहले जन्म लेने वाले सनकादि। लेकिन आयु कितनी है, आयु को स्तंभित कर रखा है। मार्कंडेय जी अगर आज भी किसी को दर्शन देंगे तो 25 वर्ष की आयु दिखाई पड़ेगी। भगवान सुखदेव आज भी किसी को दर्शन देंगे तो 16 वर्ष की आयु में होंगे। सनकादि किसी को आज भी दर्शन देंगे तो 5 वर्ष की आयु में होंगे। 5 और 16 का अभिप्राय क्या हुआ, सनकादि की आयु 5 वर्ष की परिलक्षित होगी, सुखदेव जी की आयु 16 वर्ष की। ब्राह्मणों के यज्ञों पवित की सबसे उत्तम आयु क्या है, 5, नहीं तो 8, अधिक से अधिक 16, उसके बाद व्रत्य संज्ञा हो जाती है। तो व्रत्य संज्ञा प्राप्ति ही नहीं हो सकती सुखदेव जी की, अनपेत कृत्यम 16 साल से अधिक अपने श्री विग्रह को होने ही नहीं देते, और 5 साल से अधिक होने नहीं देते कौन, सनकादि। इसीलिए कहा, एकदा ब्रह्मण पुत्र विष्णुर्लोकम यदृच्छया सनंदनादयो जगमुश्चरन्तो भुवनत्रयम्। अप्रत्याहत गति थी विष्णु लोक में, यदृच्छया अपनी भावना के अनुसार ही पहुंच गए, संकल्प हुआ नहीं कि वहाँ पहुँचने में विलंब नहीं। एक आकाश मार्ग से उड़कर जाएंगे तो कुछ समय लगेगा, कई प्रकार की गति होती है। पक्षी आकाश मार्ग से उड़ के जाते हैं, उसमें गरुड़ भी आकाश मार्ग से उड़ के जाते हैं। ये एक होता है कि देवर्षि नारद के मन में ब्रह्मलोक में रहते हैं संकल्प हो कि मर्त्यलोक में अमुक के पास पहुँचूँ, संकल्प होते ही बस दूसरे क्षण में वो वहाँ प्रकट हो जाएंगे, करोड़ों किलोमीटर की दूरी एक क्षण में पार कर लेंगे। ऐसे अष्ट सिद्धियों में, इन सब सिद्धियों का वर्णन श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंद में, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ और विभूति पाद शांडिल्य उपनिषद में, योग दर्शन में इन सब सिद्धियों का वर्णन है। तो ये स्वभाव से सिद्ध थे, अभ्यास से सिद्धि मिलती है, अभ्यास से सिद्धि मिलती है। किसी को नींद ही दुर्लभ है, क्या है? किसी को नींद ही नहीं आती है, कितने टैबलेट लो, इंजेक्शन दो, किसी को इतनी बढ़िया नींद सिद्ध है कि पाठ में भी नींद आ जाती है, प्रवचन में भी नींद आ जाती है। तो वो लोग तरसते होंगे, जिनको बिस्तर पर भी नींद नहीं आती वो लोग तरसते होंगे ऐसे महान भावों को देखकर कि कितने बड़े सिद्ध हैं,
बैठे बैठे नींद आ जाती है और लुढ़कते भी नहीं, कितनी बड़ी सिद्धि है। और कौन है आदित्य को तो खड़े खड़े नींद आ जाती है फिर भी नहीं गिरता। एक से एक सिद्धों का समुदाय है भाई, शंकराचार्य का मठ है, एक से एक सिद्ध है। आदित्य तो खड़े होकर भी सो जाते हैं आध घंटे, हाँ कोई गिरते नहीं। एक से एक सिद्ध लोग आते हैं, किस रूप में कौन देवता आ जाए सिद्ध आ जाए। तो इनको सिद्ध कैसे थे, जहाँ चाहें वहाँ अप्रत्याहत गति थी। पंच सद्वा सभ्यानार्भा पूर्वेशमपि पूर्वजः दिग्वासता शिशोन्मत्वा द्वास्थौतान प्रत्यसेधताम। कभी कभी प्रतीति भी बाधक बन जाती है। क्या दिया, पाँच छः साल के वो लगते थे अर्भक बालक के समान, आभा बच्चों जैसी, पूर्वेशमपि पूर्वजः, लेकिन आयु की दृष्टि से पूर्वजों के भी पूर्वज थे, निवृत्त परायण तो थे ही। दिग्वाससा, हाँ दिगंबर थे और क्या, पाँच साल के बच्चे। हम तो हिमालय में बहुत रहे हैं, उस समय 11 साल 12 साल तक के बच्चे गंगा में हम देखते नंग धड़ंग नहाते थे, पहले भी तालाब आदि में। उस समय विकृति कम थी ना, 11 साल तक के बच्चों को बच्चे ही समझा जाए, 10 साल के बच्चों को हमने देखा नंग धड़ंग नहाते हुए कोई, उस समय की विकृति। 15 वर्ष के बाद उस समय विकृति आती थी, समय समय की बात। तो 5-6 साल के दिखते थे तो नंग धड़ंग, दिग्वाससः, बस दिगंबर थे, दिक् दिशा ही अंबर माने वस्त्र के अंबर नहीं। यह शिशोन्मत्वा, अब पहुंच गए प्रतीति में, बालक थे। जय विजय ने उनके महात्म्य को सुना नहीं था, ये पूर्वजों के पूर्वज हैं ऐसा ज्ञान नहीं था। ये बच्चे जाएंगे भगवान विष्णु का दर्शन करने, आजकल की भाषा में कहें तो कई कमरे में पेशाब ही न कर दें। क्या बच्चे तो बच्चे ही है, हम नंदर पहुँच जाएंगे तो करके नाचने लग नंदा लग जाए, क्या बच्चे तो हैं, कोई VIP थोड़े, अभी बच्चे हैं, अभी घुस जाएंगे तो क्या के उपद्रव कर दें पता नहीं। इसीलिए दिग्वाससा शिशुन मत्वा, उन सबको बच्चे समझकर, कोई नारद जी आदि आते तो ठीक है, अभी इनको प्रणाम भी क्या करना है, तो बच्चे हैं नंग धड़ंग है, अब उनको क्या मालूम। यहाँ में था वो उस समय, बहुत शायद ये 20 साल पहले की बात होगी, ये जो नीचे द्वार है वहाँ था। गुजरात का कोई व्यक्ति आया, भाई साहब संत वेश में ही था, शंकराचार्य था, भाई साहब शंकराचार्य कहाँ हैं, दर्शन करना चाहता हूँ। हमने सोचा कि हमको तो मानेगा नहीं शंकराचार्य, हम तो ऐसे रहते हैं और झूठ बोलना नहीं है, मुझसे बात करनी नहीं इससे, शंकराचार्य की मूर्ति तो उस समय वहाँ नहीं जहाँ अभी हैं। हमने यूँ संकेत कर दिया, नीचे गया, विद्यार्थियों से पूछा कि ए बच्चे बताओ शंकराचार्य कहाँ हैं। उन्होंने कहे संकेत के ऊपर, वो आया। बड़ा विचित्र खेल है यहाँ का, तुम कहते हो भाई साहब कि शंकराचार्य, तुमने संकेत किया नीचे, बच्चे कहते ऊपर हैं कहाँ। मैंने कहा मुझको ही समझ लो, है तू कहीं शंकराचार्य उस तरफ चपरासी कोई होगा। वैसे विचित्र तमाशा है, नीचे ऊपर वाला संकेत करते नीचे जाओ, नीचे वाला संकेत करते ऊपर जाओ, तुम कहते हो शंकराचार्य, तुम कहीं शंकराचार्य हो गए। फिर यहाँ महाराज के रसोई घर में, इधर छोटा सा था रहता था, तो गंगाधर में जी उन दिनों आ रहे थे, गेट पर एक कोई व्यक्ति मिल गया, शंकराचार्य का दर्शन करना चाहता हूँ। उस समय तो यहाँ 1 महीने में 1-2 व्यक्ति थोड़ी देर के लिए आते थे, मठ की स्थिति, कोई शंकराचार्य का मठ ढूंढना भी 2-3 घंटे लग जाते थे लोगों को, वो भी दिन था कभी, जो है परिस्थिति होती है।
गंगाधर में जी ने सोचा कि अभी तो कोई शंकराचार्य के पास होगा नहीं, मैं किसी की प्रतीक्षा कभी नहीं करता, 24 घंटे मेरा अपना बचपन का स्वभाव है, अपने काम में लगा रहता हूँ। इसलिए कोई कहें कि जब आप व्यस्त ना हों तो मुझे समय दें तो मुझे हंसी आएगी, क्या मैं 24 घंटे अपने को व्यस्त रखता हूँ, मतलब विक्षिप्त रखता हूँ, या नहीं लिखना है, पढ़ना है, चिंतन करना है, कोई आवे तो दिन कटे, ना आवे तो बतरस का शिकार मैं कभी नहीं हूँ। क्या नहीं तो एक एक महात्मा को मैंने देखा 2 घंटे 3 घंटे बतरस ना हो तो नींद ही ना आवे, ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी ओर से 8 घंटे बाद शंकराचार्य मिल सकते, ठीक। हमसे को आकर कहा कि देखिए मुझे मालूम है कि आप खाली हैं, लेकिन मैंने क्या किया, गुजरात का कोई व्यक्ति, वो गुजरात का था या कहाँ का था, वो हिंदी नहीं जानता था, इतना मैं जानता, अंग्रेजी जानता था, हिंदी नहीं जानता था, अपनी मातृभाषा जानता होगा लेकिन विदेशी नहीं था। तो 8 घंटे बाद वो आएगा, मैंने जानबूझ के कि वो आपको कुछ गिने, लगता है कि कुछ धनी वानी होगा, उनकी दृष्टि है थी, 8 घंटा विलम्ब से कहा, तो 8 घंटे बाद वो घूम फिर के आपके पास आएगा। वो आ गया मेरे पास, तो वो हिंदी जानता नहीं था, एक दुभाषिया को लाया था, दुभाषिया ने कहा कि ये शंकराचार्य हैं, फिर संकेत किया कि कुछ, दुभाषिया भी हमको जानता नहीं था, कुछ चढ़ाइए। उसने अंग्रेजी में कहा कुल 8 घंटे में जो दर्शन दे सकता है वो शंकराचार्य हो सकता है, देखो ना, क्या वहाँ तो मुकुट उकुट भी पहनते हैं, ना भी पहने हो तो एकदम धारीदार रेशमी कपड़े, एकदम चकाचक, छड़ी लेकर इधर उधर सोने, केवल 8 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद वो तुम्हें समुद्र किनारे से घूम के आ, इसको 2 रुपया भी देना उचित नहीं है, चलो यहाँ से। वो अंग्रेजी में बोला, तो उतनी अक्ल तो मुझे उस समय भी थी, उतनी तो मैं समझ ही लेता था अंग्रेजी, अंग्रेजी बोलने का अभ्यास हमने छोड़ दिया, इंग्लिश मीडियम से ही साइंस की शिक्षा थी 10वीं तक, तो मैं चुप अंग्रेजी नहीं जानता हूँ ऐसा मान के ही चलता हूँ, पढ़ता उड़ता भी नहीं, सब भूल भाल भी गया। बाबा होने का तरंग था, पढ़ने में कुछ समय अंतिम 2 वर्ष कम ही लगाया था, तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, कभी कभी ताम झाम ना होना भी क्या होता है, बाधक हो जाता है। इनके लिए बाधक कौन हो गए, बाल स्वभाव नंग धरंग अवस्था में क्या बालक सरीखे प्रतीत हो रहे थे, नंग धरंग थे, तो यहाँ पर अवस्था ही बाधक बन गई, बने ठने नहीं थे, बाल नंग धरंग बाल गोपाल दिखते थे। तो महात्म्य को जो नहीं जानते हैं वे बाहरी टीम टाम न होने पर क्या कर देते हैं, अवरोधक बन जाते हैं, मानो कुछ गिनते नहीं या नगण्य समझते हैं। यही यहाँ पर है मनोविज्ञान, पंचषड्ढयनार्वाभा पूर्वेशामपि पूर्वजाः। अब दोनों में विसंगति, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं लेकिन बाल सरीखे, 5-6 साल के बालक सरीखे दिखाई पड़ते हैं, आयु को निरुद्ध कर दिया। क्या अर्थ हुआ, योग सिद्धांत के अनुसार समाधि में बहुत सी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। कुछ योगी ऐसा कहते हैं कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति 5 वृत्तियों का निरोध हो जाए तो जीवन ही न रहे, इसलिए मैंने कहा 1 भी वृत्ति का 2 भी वृत्ति का निरोध हो गया तो समाधि में वृत्तियों का निरोध हो जाता है, मतलब जगदाकार वृत्ति का प्रवाह न होकर तत्वाकार वृत्ति का प्रवाह चलता रहता है, यूँ भी कह सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने हमको
कहा, बहुत सा तथ्य बताया। सुनो कितने दिव्यदर्शी थे, आगे गली गली में योग की चर्चा करने वाले योगी घूमेंगे, ये कहा पूज्य गुरुदेव। आजकल सब हो रहा है, 80 में कहा होगा लगभग, 82 में उन्होंने शरीर छोड़ा। सुन रहे ना आदित्य, जगे हो ना? हाँ, आज सत्वगुण आया है। सत्वगुण माने सत्वा, तो सत्वगुण माने सत्वगुण, सत्वगुण शब्द नहीं बनता है, सत्वगुण बनता है। रजोगुण बन जाएगा, तमोगुण बन जाएगा, सत्वगुण शब्द शुद्ध है सत्वगुण। तो हमने कहा बैठा करो, सुनते सुनते विवेक बढ़ेगा, क्या पुण्य होगा, बहुत ऊंची चीज है ये, ब्रह्म विद्या है, भागवत की कथा है, समझ में ना आवे भी सुनते सुनते समझ में भी बात आने लगती है। तो क्या हुआ, तो बाहरी टीम टाम ना होने से जो पारखी व्यक्ति नहीं है वो कुछ गिनते नहीं, इसीलिए कहा पंच वर्षनार्भा भा पूर्व साम पूर्वजा दिग्वास शिशोन्मत्वादस्थौतान प्रत्यषेधताम। पारखी व्यक्ति तो समझ जाते हैं, बाहरी टीम टाम न होने पर भी अमुक हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, ये जो वैज्ञानिकों की गोष्ठी 3 दिन रखी गई, आज निकेश जी, हृषिकेश जी या क्या नाम है झा जी, हमारे प्रवचन के बाद कल से है ना, उसकी घोषणा कर दीजिएगा ताकि श्रोताओं को मालूम पड़ जाए। तो वैज्ञानिकों की गोष्ठी हुई, अर्थशास्त्रियों की गोष्ठी हुई, यंत्र के माध्यम से राजनीतिज्ञों की गोष्ठी हुई, लगभग 30 वक्ता, 25 से कम तो नहीं, तीनों गोष्ठी में बोले होंगे। नहीं, एक एक गोष्ठी में कितने बोले, ज़्यादा बोले होंगे 3 दिन में, तो क्या 5-5 भी बोले होंगे, 15 तो एक ही में हो गए, एक ही विषय में 45-50 लगभग वक्ता बोले हैं। तीनों गोष्ठी में कितने व्यक्ति बोले होंगे, 35-40 के लगभग 40 व्यक्ति बोले, उसमें देवियां भी बोली विज्ञान पर अर्थशास्त्र पर। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, एक को भी टाई लगाए नहीं देखा, एक का भी भौतिक विन्यास ऐसे बाल आदि का नहीं देखा जिससे लगे, फैशन जिसको कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये टाई वाई लगा के जो खामखा घूमते रहते हैं, इनके अंदर कोई टाई फाई नहीं है, बाहरी टिमटाम ही है। कोई वकील हो, जज हो, अपने कोर्ट की बात नियम महाबली अलग है, सबको हमने देखा, चाहे अर्थशास्त्री हो, अर्थशास्त्र पर विशेषज्ञों को बोलने का अवसर मिला, कोई बाहरी टीम टाम नहीं, सबका सादा जीवन, उच्च विचार। इसका अर्थ है कि अभी भी क्या भौतिकवाद के चकाचौंध में विशेषज्ञ चाहे वैज्ञानिक हों, चाहे अर्थशास्त्र के जानकार हों, चाहे राजनीति के जानकार हों, वो भौतिकवादियों के चकाचौंध में नहीं आए। एक मैंने ये देखा, दूसरा क्या देखा, दूसरा ये देखा किसी ने वेद शास्त्र पर कटाक्ष नहीं किया, बल्कि वेद शास्त्र का नाम लेकर सबने कहा अर्थशास्त्र का मूल भी वही, वेदादि शास्त्र हैं अर्थशास्त्र के मूल, राजनीति के मूल भी वही हैं, और क्या विज्ञान के मूल भी कौन है, वेदादि शास्त्र ही हैं। किसी ने ऋषियों को या वैदिक वाङ्मय को कोसा नहीं, सबने सराहना की, इससे मुझे बहुत बल मिला, बल तो था ही, और बल उस पर 4 चांद लग गए कि राजनेताओं ने ऋषि मुनियों के प्रति, शास्त्रों के प्रति अनास्था उत्पन्न करने के बहुत प्रयास किए, 74, 75, 76, 77 साल में। लेकिन ये जो क्रीम वैज्ञानिक दल, अर्थशास्त्री, राजनेता, जो क्रीम जिसको कह सकते हैं, उनके ऊपर ये प्रभाव नहीं डाल पाए। बहुत अभी बीज सुरक्षित है, इस बात को लेकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। दिग्वाससा शिशोन्मत्वा द्वास्थौतान प्रत्यषेधताम। द्वारपाल थे, इन तक जय
इन तक सनकादि सनंदनादि के महात्म्य की पहुंच नहीं हो पाई थी। ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं और संबंध की दृष्टि से भगवान के पोते ही लगते हैं, इसलिए महात्म विज्ञान न होने के कारण क्या होता है, अपकर्ष हो जाता है। एक बार हम और ये थे ट्रेन में ऊपर नीचे एसी सेकंड क्लास में, एसी सेकंड क्लास उसमें एसी हो या ना हो ये भी नहीं कह सकते, और एक गृहस्थ थे युवक युवती वो ऊपर नीचे, मुझे जहाँ उतरना था हम उतरे तो बाहर प्लेटफॉर्म पर लगभग 100 व्यक्ति रहे होंगे, जय जय कर रहे थे। तो वो महिला जो थी उसको कुतूहल हुआ कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, गेट के पास गई, तब तक मैं ट्रेन से उतर गया, हाय मारी गई, 10 घंटे साथ रही, हाथ भी नहीं जोड़ा। हम मुस्कुराए, उसने देखा ना कोई टीम टाम नहीं है। ये भी होता है कभी महात्मक ज्ञान, इसीलिए लिखा गया अति सन्निकट होने से, अति सामीप्य होने से अपमान हो जाता है, ये भी लिखा, पर गोपियों के लिए लिखा तत्रापि ऐसी स्थिति में भी श्री कृष्ण सुलभ होने पर भी महात्मक ज्ञान का अपवाद नहीं है। नारद भक्ति सूत्र महात्मक ज्ञान का अपवाद नहीं है। न त्वं गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंत्रात्मदृक्, केवल यशोदा के लाला हो ऐसी बात नहीं, अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। महात्मक ज्ञान होता यही है कि बहुत महत्वपूर्ण वस्तु या बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का सानिध्य हो जाए, पुण्य की पूंजी कम होने के कारण, वैर्मुक्ता होने के कारण फिर व्यक्ति तू तू मैं में तिरस्कार भी करने लगता है क्या। इसीलिए नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रात्मदृक्, आप केवल यशोदा नंदन ही नहीं हैं, यशोदा नंदन होते हुए भी अखिल देही नाम अंतरात्मदृक्, अंतरात्मा के भी दृष्टा साक्षात परमात्मा ही श्री कृष्ण के रूप में अभिव्यक्त हैं। परंतु यहाँ जय विजय को ये नहीं पता था कि पूर्वेशम पूर्वजा, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, दिखाई पड़ते हैं, शिशु सरीखे पाँच छः साल सरीखे, तान प्रतिषेधता, तब फिर क्या था, उनको तो बस रोक ही दिया भाई। उनको भीतर जाने से रोक दिया, ये हुआ। अशपन कुपिता एवं युवाम वासम न चारहत रजस्तमोभ्याम रहिते पादमूले मधुद्विषः पापिष्ठ मासुरीम योनिम बालिशौ यातमाश्वतः, फिर क्या था। कहाँ बात क्रोधो भी जाते, भगवान के धाम में पहुँचे, भगवत दर्शन की आतुरता थी, उत्कंठा थी, लेकिन रोक दिए गए तो क्रोध आ गया। वहाँ क्रोधित हो गए, कुपिता एवं कुपित हो गए, फिर क्या हो गया, द्वारपालों को शाप दे दिया, लो जी अपशपन अशपन कुपिता एवं युवाम वासम न चाहत है, तुम लोग यहाँ रहने योग्य नहीं हो, द्वारपाल इतने बड़े महान भाव के भगवान के द्वारपाल होने योग्य नहीं हो, रजस्तमोभ्याम रहिते पादमूले मधद्विषः, तुम कहाँ हो इसका ध्यान नहीं, विष्णु भगवान के जो स्वरूप हैं, पद हैं, रजोगुण तमोगुण से सर्वथा विरहित हैं, तुम यहाँ पर नियुक्त कर दिए गए उचित नहीं। मानो भगवान नहीं तो कोई ये पेड़ थोड़े थे, भगवान नहीं तो नियुक्त किया होगा ना, तो भगवान पे भी कटाक्ष हो गया, तुम कहाँ हो किसके द्वारपाल हो इसका ज्ञान नहीं, भगवान का जो पद है स्वरूप है चरण है उनके रजोगुण तमोगुण से रहित हैं, उनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, बहिर्मुख हो, तमोगुणी हो,
पापमयी बहुवचन में श्राप दे या बालिशव कहा पहले, ऐ मूर्खो पापिस्थाम आसुरीम योनिम यातम अश्वतः। लो पापिस्थाम अब्बल दर्जे एक नंबर के जो पापी होते हैं उनको जो आसुरी योनियां प्राप्त होती हैं, झटपट उन योनियों को प्राप्त हो जाओ। बड़े विचित्र, कभी कभी दुविधा हो जाती, किसी के द्वारपाल को साप दे दिया जाए तो जो स्वामी है जिसका द्वारपाल उसको कष्ट होगा या नहीं, और वो भी भगवान के भक्त, भक्त ही भक्त टकरा जाए तो दोनों मार किस पे पड़ेगी। भगवान के भक्त ने भगवान के भक्तों को साप दे दिया और मार किस पे पड़ी अंत में, तो सोचना ये चाहिए कि हम कोई ऐसी हरकत न करें कि हमारी चेष्टा जिनको हम आदर्श मानते हैं उन्हीं को खिन्न कर दे। क्या एक कोई विवेक नामक देवता हैं, वृंदावन में ऐसा व्यवहार किया कि आज तक कभी कभी मैं मन को रोक लेता हूँ, तो जीवन भर के लिए हमारी दृष्टि से व्यक्ति गिर गया। उसने नहीं सोचा कि करोड़ों कल्पों के पुण्य को उसने आग लगा दी। इसका मतलब क्या है, उच्च जगह पर रहने वाला अगर विवेक का परिचय ना दे तो कष्ट तो अंत में किसको होता है। अगर जय विजय ने रोक दिया तो कहते भैया तुम ऐसा है, मैं समझता हूँ कि बाल गोपाल लगता हूँ, नंग धर्म हूँ, जरा भगवान को सूचना दे दो कि सनकादि मिलने आए क्या। फिर अगर वो मना कर दें तो कोई बात नहीं, लौट जाऊँगा। लेकिन इतनी तीव्रता थी भगवान से मिलने की क्या, कि उस तीव्रता में अवरोध होने के कारण उन्होंने श्राप दे दिया और क्या कहा, ए बालिशव मूर्खो पापिष्ठाम आसुरीम योनिम यातमाश्वतः। बहो झटपट पापी पाप योनि पापमयी आसुरी योनियों को तुम प्राप्त हो जाओ, ये श्राप दे दिया। आशु कह दिया झटपट, वो भी नहीं कि 10 दिन 20 दिन बाद। एवं सप्तौ स्वभवनात् पतन्तौ तैः कृपालुभिः प्रोक्तौ पुनर्जन्म भीर्वाम त्रिभिर्लोकाय कल्पताम। पाप शाप के प्रभाव से वो सब एक में एक हो गए वहाँ पर। यह नहीं कि किसी कोई कहते इनमें से भाई ऐसा मत करे, आखिर भगवान का भक्त है द्वारपाल है ना, सब एक मत हो गए। साफ देते ही जब बैकुंठ से नीचे गिरने लगे कुछ दया आ गई। अच्छा, क्योंकि संस्कृत में तो बहुवचन 3 से प्रारंभ होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल, एक से अधिक के लिए बहुवचन, हिंदी में एक के बाद द्विवचन नहीं बहुवचन। संस्कृत में साफ दिया तो बहुवचन का पेट, कानून कहते हैं ना आयन का पेट तो भरना है, उड़ीसा में कहते हैं, बहुवचन की पूर्ति 3 से कम में तो हो नहीं सकती थी। अच्छा अच्छा, कुछ दया आ गई। अच्छा अच्छा, 3 जन्मों में इस श्राप को भोग कर तुम लोग फिर इस वैकुंठ में आ जाओगे। वाह, इतना भी कह दिया। अब वो कोई 2-2 साल का जीवन था क्या, हिरण्यकश्यप हिरण्यक्ष और रावण कुंभकर्ण और दंत शिशुपाल, 2-2 दिन का जीवन था क्या। मैंने हजारों वर्षों के लिए तो अनुग्रह कर दिया तो भी भगवान के द्वार से विनचित भगवान से, और ऐसे असुर बने कि भगवान से ही दुष्टता, वही क्या भगवान से ही वैर करने लग गए। तो द्वेष का अभिनिवेश का अक्लिष्ट उपयोग उनके द्वारा हो गया, ये अभिप्राय। एवं सब तो स्वभवनात् अपने भवन से पतंतौ तै कृपालुभिः प्रोक्तौ पुनर्जन्म भीर्वाम त्रिभिर्लोकस्य कल्पताम। 3 जन्मों में इस श्राप से मुक्त होकर फिर तुम यथास्थान आ जाओगे। श्री राम जय राम जय जय राम।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, हर हर।